नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रश्न कुंडली के बारे में और ये एक श्रृंखला होगी। कम से कम 15 से 20 एपिसोड बनेंगे इस पे, जिसमें मैं आपको प्रश्न कुंडली के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा कि हम प्रश्न कुंडली कैसे देखते हैं, कैसे बनाते हैं और इस प्रश्न कुंडली से क्या क्या विचार किया जा सकता है। प्रश्न कुंडली कैसे बनाते हैं मैं बना के आपको अगले एपिसोड में दिखाऊंगा। इस एपिसोड में हम प्रश्न कुंडली से संबंधित बेसिक जानकारी लेंगे और ये बेसिक जानकारी हमारी अंत तक सहायता करेगी प्रश्न कुंडली देखने में। तो कृपया इस जानकारी को आप ध्यान से सुने। हो सकता है आप बोर हो जाएं इस एपिसोड में, मगर अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी और प्रश्न कुंडली के बारे में जब मैं आगे से आपको बताऊंगा तो आपको आसानी से और जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए, बिना समय की बर्बादी के आज हम जानते हैं प्रश्न कुंडली के बारे में बेसिक जानकारी। प्रश्न कुंडली तात्कालिक समय के गोचर का नक्शा मात्र है। अचानक से बैठे बैठे मन में किसी इच्छा का जन्म हुआ, इस इच्छा का भविष्य क्या होगा, यह पूरी होगी या नहीं, इस प्रकार की किसी समस्या का समाधान करने के लिए विशेष रूप से प्रश्न कुंडली का प्रयोग किया जाता है। जिस समय किसी व्यक्ति के मन में कोई जिज्ञासा जागती है उसी समय को लेकर के बनाई गई कुंडली को प्रश्न कुंडली का नाम दिया जाता है। प्रश्न कुंडली को कार्य सिद्धि का नाम भी दिया जा सकता है। दैनिक जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें जन्म कुंडली से जानना संभव नहीं होता, इसका समाधान प्रश्न कुंडली से किया जा सकता है। प्रश्न कुंडली ज्योतिष की वह कला है जिससे आप अपने मन की कार्य सिद्धि को जान सकते हैं। कोई घटना घटित होगी या नहीं यह जानने के लिए प्रश्न लग्न का देखा जाना आवश्यक है। प्रश्न ज्योतिष में उदित लग्न के विषय में कहा जाता है कि लग्न में उदित राशि के अंश का अपना विशेष महत्व होता है। प्रश्न ज्योतिष में प्रत्येक भाव प्रत्येक राशि अपना विशेष अर्थ रखती हैं। ज्योतिष की इस विद्या में लग्न में उदित प्रश्न करने वाला स्वयं होता है। सप्तम भाव उस विषय वस्तु के विषय का बोध कराता है जिसके बारे में प्रश्न किया जाता है। प्रश्न जिस विषय से संबंधित है यह जानने के लिए जो ग्रह लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखता है उस ग्रह से जुड़ा प्रश्न हो सकता है, या जो ग्रह कुंडली में बलवान हो लग्ने से संबंध बनाए उस ग्रह से जुड़ा प्रश्न हो सकता है। प्रश्न कुंडली में प्रश्न का समय बहुत मायने रखता है, इसलिए प्रश्न का समय कैसे निर्धारित किया जाता है इससे हम अहम विषय मानेंगे। प्रश्न कुंडली की विशेषता एवं प्रश्न कुंडली किस प्रकार काम करती है। प्रश्न कुंडली की यह विशेषता है कि इस कुंडली के लिए जन्म समय की जानकारी होना आवश्यक नहीं है। इसके रहते जन्म समय में त्रुटियां या लग्न निर्धारण में कोई दुविधा नहीं होती है। इसके लिए इसके लग्न का निर्धारण सरलता से हो जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें गोचर व दशा भी लगानी नहीं पड़ती है। सामान्यतः प्रश्न कुंडली की आयु जो है वो वार्षिक होती है। प्रश्न कुंडली में लग्न समय निश्चित होता है। प्रश्न कुंडली में कार्य भाव और कार्यस की भूमिका अहम होती है। कार्य से यहाँ अर्थ उस विचार या इच्छा से है जिसके लिए प्रश्न कुंडली का निर्माण किया गया है। जैसे अगर कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है कि क्या वह यात्रा करेगा तो इस स्थिति में कार्य भाव तृतीय भाव हो गया। अब कार्यस को समझते हैं। कार्यस में अभिप्राय कुंडली के उस भाव से है जिससे संबंधित प्रश्न किया जाता है। इस प्रश्न में यात्रा के विषय में कहा गया है तो तृतीय भाव का स्वामी कार्यस हो गया है। इस प्रकार प्रश्न कुंडली में कार्य भाव और कार्यस का संबंध प्रश्न की सफलता दर्शाता है। इसी तरह प्रश्न कुंडली में लग्न भाव सदैव प्रश्नकर्ता का प्रतिनिधित्व करता है और सप्तम भाव व्यक्ति का विषय वस्तु है जिससे संबंधित प्रश्न किया गया है। उस व्यक्ति की स्थिति को समझने के लिए सातवें घर का विश्लेषण किया जाता है। परंतु प्रश्न कुंडली देखने से पहले सबसे पहले यानी प्रश्न कुंडली जैसे स्टार्ट करते हैं कोई भी प्रश्न हो, सबसे पहले लग्न को देखा जाता है, लग्नेश को देखा जाता है और लग्न में कौन सी राशि है उसको देखा जाता है। प्रश्न कुंडली से व्यक्ति की चिंता की जानकारी कि प्रश्न कुंडली के द्वारा हम किसी व्यक्ति की चिंता की जानकारी कैसे दे सकते हैं, वो टेंशन में क्यों है, हम उसको ऐसा उसका उत्तर कैसे दे सकते हैं, उसकी टेंशन का कारण हम प्रश्न कुंडली से कैसे बता सकते हैं। प्रश्नकर्ता की चिंताओं की जानकारी चंद्रमा से देखी जा सकती है। प्रश्न कुंडली में लग्न भाव में बलि चंद्र की स्थिति, निवास चिंता, दूसरे भाव में धन, तीसरे भाव में घर से दूर रहने की चिंता, चौथे भाव में मकान,
पानी से संबंधित परेशानी, पांचवें भाव में संतान, छठे भाव में ऋण, सातवें भाव में विवाह या साझेदारी, आठवें भाव में पैतृक संपत्ति में या अप्रत्याशित लाभ, नवम भाव में चंद्र लंबी दूरी की यात्रा, दसम भाव में आजीविका, एकादश भाव में आय वृद्धि पदोन्नति, द्वादश भाव में बलि चंद्र विदेश यात्रा से जुड़ी चिंताओं का संकेत देता है। शायद मेरी ये बातें अभी आपको समझ में नहीं आएगी, मगर जैसे जैसे आप हर एपिसोड में देखोगे सारी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगी। प्रश्न कुंडली कैसे बनाई जाती है? प्रश्न कुंडली का समय और स्थान निर्धारण। प्रश्न समय निर्धारण के विषय में प्रश्न कुंडली का नियम है कि जब प्रश्नकर्ता के मन में प्रश्न उत्पन्न हो वही प्रश्न का सही समय है। जैसे प्रश्नकर्ता ने फोन किया और उस समय ज्योतिषी ने जो समय प्रश्नकर्ता को दिया, इन दोनों में वह समय लिया जाएगा जिस समय ज्योतिषी ने फोन सुना, वही प्रश्न कुंडली का सही समय है। प्रश्न कुंडली का प्रयोग आज के समय में और भी ज्यादा हो गया है। कई प्रश्नों का जवाब जन्म कुंडली से देना मुश्किल होता है, जबकि प्रश्न कुंडली से उन्हें आसानी से देखा जा सकता है। प्रश्न कुंडली से जाना जा सकता है कि अमुक इच्छा पूरी होगी या नहीं। प्रश्न कुंडली से उन प्रश्नों का भी जवाब पाया जा सकता है जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। जैसे अमुक मामले में जीत होगी या हार, बीमार व्यक्ति स्वस्थ होगा या नहीं, घर से गया व्यक्ति वापस लौटेगा या नहीं। इतना ही नहीं, प्रश्न कुंडली से यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि खोया सामान मिलेगा अथवा नहीं। प्रश्न कुंडली का स्थान निर्धारण करने के लिए जहां से प्रश्नकर्ता ने फोन किया है वही स्थान होगा। जैसे किसी ने ज्योतिषाचार्य से मुंबई से फोन किया और ज्योतिषाचार्य दिल्ली में बैठे हैं, फोन मुंबई से जातक का आया है, तो स्थान मुंबई का लिया जाएगा, क्योंकि जो ग्रह नक्षत्र हैं वो जातक को मुंबई वाले प्रभावित कर रहे हैं ना कि दिल्ली वाले, तो स्थान मुंबई का होगा। आगे है प्रश्न कुंडली में राशियों का महत्व। प्रश्न कुंडली में राशियों का वर्गीकरण यहाँ यह बताता है कि शीर्षोदय राशियां प्रश्न की सफलता बताती है। देखिए शीर्षोदय राशियां, पृष्ठोदय राशियां, द्विस्वभावी चर राशियां, ये कौन सी होती हैं मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। अभी आप जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिए, और कहीं नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था प्रश्न कुंडली में राशियों का वर्गीकरण यहाँ यह बताता है कि शीर्षोदय राशियां प्रश्न की सफलता बताती हैं और पृष्ठोदय राशियां प्रश्न की असफलता की ओर इशारा करती हैं। सामान्य प्रश्नों में लग्न में शुभ ग्रह का होना अच्छा माना जाता है और लग्न में अशुभ ग्रह का होना अशुभ माना जाता है। लग्न को शुभ ग्रह देखे तो प्रश्न की सफलता की ओर कदम कहे जा सकते हैं। इसी प्रकार दिन बलि राशि शुभ प्रश्न की ओर इशारा करती हैं, जबकि रात्रि बलि राशि यानी कि रात्रि बलि राशि जो रात्रि में बलि होती हैं वो राशियां अशुभ विषय से संबंधित प्रश्न को दर्शाती हैं। अपनी प्रश्न की पुष्टि के लिए प्रश्न के योग को जन्म कुंडली में भी देखा जा सकता है। जैसे लग्न में चर राशि का उदय होना यह बताता है कि स्थिति बदलने वाली है, और स्थिर राशि यह बताती है कि जो है वही बना रहेगा। अर्थात यात्रा के प्रश्न में लग्न में चर राशि होने पर यात्रा होगी और स्थिर राशि होने पर यात्रा नहीं होगी। द्विस्वभाव होने पर लग्न के अंशों पर ध्यान दिया जाता है, यानी कि जो अगर लग्न में द्विस्वभाव राशि हो तो उस राशि को राशि के अंशों पर ध्यान दिया जाता है। अगर उस राशि का अंश 0 से 15 डिग्री हो तब स्थिर राशि समझा जाएगा, अन्यथा चर राशि के समान इसका जो व्यवहार है वो होगा। यानी कि अगर लग्न में द्विस्वभाव राशि हो और उसका अंश 0 से 15 डिग्री के बीच में हो तो इसे हम स्थिर राशि समझेंगे, और अगर उसका अंश या उसकी डिग्री 16 से 30 के बीच में हो तो उसे हम चर राशि के समान समझेंगे। प्रश्न की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि लग्न लग्नेश भाव भावेश का संबंध जितना अधिक होगा कार्य सिद्धि उतनी जल्दी होगी। प्रश्न मन की इच्छा है, प्रश्नकर्ता की जो इच्छा है वह प्रश्नकर्ता के पक्ष में है या नहीं, यही प्रश्न कुंडली से देखा जाता है। जैसे यात्रा के प्रश्न में प्रश्नकर्ता यात्रा चाहता है और प्रश्न कुंडली में भी यह आता है तभी कहा जाता है कि व्यक्ति यात्रा करेगा, अन्यथा नहीं। प्रश्न कुंडली में हार जीत का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसमें लग्न में शुभ ग्रह का होना अशुभ फल देता है, जबकि अशुभ अथवा क्रूर ग्रह का परिणाम शुभ होता है। यहाँ विचारणीय तथ्य यह है कि अगर
लग्न एवं सप्तम भाव दोनों ही में अशुभ ग्रह बैठे हो तो अंशों से फल को देखा जाता है। तथ्य यह है कि अगर लग्न एवं सप्तम भाव दोनों में ही अशुभ ग्रह बैठे हो तो अंशों से फल को देखा जाता है। भाव और भावेश कार्यस में संबंध। कुंडली में भावों की संख्या 12 है। जन्म कुंडली में प्रत्येक भाव स्थिर है और सभी का अपना महत्व है। प्रश्न कुंडली में किस भाव से क्या देखना है, यह प्रश्न पर निर्भर करता है। प्रश्न कुंडली में कार्यस वह है जिसके विषय में प्रश्न किया गया है। जैसे विवाह के प्रश्न में सप्तम भाव का स्वामी भावेश कार्यस है, इसी प्रकार संतान के प्रश्न में पंचमेश कार्यस है। प्रश्न कुंडली में प्रश्न की सफलता के लिए भावेश और कार्य से संबंध देखा जाता है। इन दोनों में जितना दृष्टि संबंध हो, ये दोनों अंशों में जितने निकट हो उतना ही अच्छा माना जाता है। यदि ये दोनों लग्न, लग्नेश, चंद्र और गुरु से संबंध बनाए तो उत्तर सकारात्मक होगा, अन्यथा नहीं। तो मित्रों, ये थी प्रश्न कुंडली के बारे में एक बेसिक जानकारी। अगले एपिसोड में मैं आपको प्रश्न कुंडली बनाना और देखना सिखाऊंगा। हम प्रश्न कुंडली बनाएंगे और कुछ सामान्य प्रश्न लेंगे तो उनका जो निवारण करेंगे अगले एपिसोड में। आशा करता हूं कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो वीडियो को 2 बार, 3 बार या 5 बार देखें, जिससे कि आपको जानकारी अच्छे समझ में आ जाए और आगे आने वाले वीडियोज में सारा सब कुछ क्लियर भी हो जाएगा। इन मित्रों को ये एपिसोड समझ में नहीं आया है, वो अगले एपिसोड में मैं धीरे धीरे, जैसे एक एक एपिसोड बनाऊंगा प्रश्न कुंडली के ऊपर, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।